हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशिया बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड। ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डैन नेटवर्क एज वेल एज हैथवे, दोनों के दोनों बहुत पॉपुलर भी है, बट लोग लेने से कतराते हैं शेयर को। क्यों लेने से कतराते हैं? क्योंकि कंपनी अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, काफ़ी कंपनी लॉस में चल रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। ओके, और अभी बीच में OFS भी आया था दोनों में, तो आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल चेंज हो गया पूरा सिनेरियो, कंपनी में अब बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई है। ओके, और जियो, रिलायंस जियो की कंपनी बन गई है पूरी की पूरी। अगर बात करें, रिलायंस की कंपनी है ये, और पहले इनमें से मैं डेट हुआ करता था। कंपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, उस चीज़ को देखेंगे और आप फिर डिसीजन लेना कि कंपनी वो शेयर अच्छा है या नहीं। फिर आपको पता चलेगी कि शेयर की कीमत एग्जैक्टली क्या होती है और क्या होनी चाहिए और किस तरह आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इनिशिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अभी एक वीडियो बनाई है। ओके, यहाँ पर कोविड वैक्सीन के जो कंटेनर होते हैं जिसमें वैक्सीन रखी जाती है, ओके, जो छोटे या कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको वो लिक्विड रखा जाता है जिसमें, तो उससे रिलेटेड ऑर्डर मिला है। दो कंपनी वो अच्छे खासे चर्चे में है, तो आप उस वीडियो उस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। डेट फ्री स्टॉक भी है, एज वेल एज अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बाकी आसपास के लोगों की हेल्प करिए जितनी हो सके, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आपके लिए नहीं सबके लिए एक जैसी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर बात करें, सबसे पहले हम डैन नेटवर्क की बात करते हैं। 45 रुपीज़ का शेयर है, बट अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखिएगा कि मतलब किस तरीके से ऊपर नीचे, मतलब किस तरीके से ये शेयर ऊपर 250 रुपये तक जाके नीचे की तरफ आया है, और लोग इसे लेना भी पसंद नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ क्या कि इसने कंपनी ने परफॉर्म नहीं करके दिखाया है। किस तरीके से 250 रुपये का शेयर 45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, बट अगर हम देखते हैं एक दिन में लगभग 2% की यहाँ पर जंप देखी गई है, और अगर एक साल की बात करते हैं तो शेयर देखिए उस नीचे से ऊपर गया अच्छा खासा, 102 107 रुपए तक गया, फिर उसके बाद दोबारा डंप किया। बट अब बिल्कुल सबकी पूरा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। तो अगर हम बात करें NSE में, अगर देखें तो 22,88,000 शेयर यहां पर उठाए गए, 61% के शेयर, 41 का शेयर था 52 वीक लो। अगर बात करें 115 रुपये तक गया था, फिर उसके बाद इसी प्राइस पर लगा 45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहां पर देखिए, बीच में OFS भी आता हुआ हमें दिखाई दिया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी दे नहीं रखा, बट बीच में OFS भी आया था, अब वो अभी हम दिखाएंगे आपको। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, और देखिए जो क्राइटेरिया होता है ना SEBI का, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ही OFS आया था, वरना OFS आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो डैन नेटवर्क करता क्या, डैन नेटवर्क करता है देखिए यहाँ पर ब्रॉडबैंड, डैन TV, आपने उनके जो छाता होता है उसे देखा होगा, ओके, छतरी होती है, मतलब अगर हम देखें डैन TV प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड करके पॉज करके प्ले कर सकते हैं। तो डैन नेटवर्क प्लस में ब्रॉडबैंड से रिलेटेड ये कंपनी, डैन केबल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और ऑब्वियसली बात है इसके प्रमोटर कौन है, जियो। तो जियो क्या काम करती है, जियो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करती है, 5G से रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी को प्रॉफिट होगा, हो उसी तरीके से होता हुआ नजर आएगा। दूसरी कंपनी की बात करते हैं, हैथवे भी देखिए सेम ही चार्ट पैटर्न है, सेम आपको चीज़ें दिखाई देगी, ऊपर गया फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आया, फिर अच्छा 13 रुपये का शेयर कोविड के बाद यहाँ पर पहुँचाया अच्छी तरह ऊपर तक, फिर उसके बाद दोबारा डंप कर दिया, बट OFS आ गया है। ओके, सब चीज़ चेंज हो चुकी है और डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करते अब दिखाएगी। 17 रुपये का यहाँ मिनिमम 52 वीक लो है, 57 तक यहाँ पर शेयर लेके गए थे, फिर उसके बाद डम किया। यहाँ पर बात करें 54% की होल्डिंग है, 29 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर भी OFS आया था, ओके, वही अगर बात करें यहाँ देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल, ओके, 23 अप्रैल को, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिर दोबारा यहाँ पर देखिए कम कर दी गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेम वही स्प्लिट भी एक बार बीच में देते हुए मिलती, बट वो छोड़िए, पुरानी बातें को अभी मिट्टी डालते हैं। ओके, यहाँ पर ये चेंज हो गया है, अभी मैं अभी नया चार्ट पैटर्न एक बार देख यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हैथवे और डैन नेटवर्क, इन दो कंपनी की बात हो रही है, और हैथवे किस में काम करता है, हैथवे भी इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड ही काम करता है, डिजिटल केबल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट लाइन स्पीड, ओके, इसी चीज़ से रिलेटेड ये कंपनी भी काम कर
करती है और आगे चल के ये कंपनी ओके टेक द लीड विद द नंबर वन गेट 10 times फास्टर इंटरनेट। तो जैसे जैसे जियो के कस्टमर कितने हो गए, लगभग 40 करोड़ 50 करोड़ कस्टमर है, तो ऑब्वियसली बात है इसका भी फायदा इसे ही होगा। और जियो का आगे चल के मुझे लगता है आईपीओ भी आएगा, और एक बार आईपीओ आएगा तो सीधा इन्हीं कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्यों फायदा होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की अगर देखते हैं तो कि प्रमोटर कितने 74% यहाँ पर आईपी ओएफएस आता हुआ अभी बीच में दिखाई दिया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेबी की गाइडलाइन होती है 75% से ज़्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जियो तो इन्हीं के पास होल्डिंग है सारी की सारी, बाकी इनके जो पहले प्रमोटर हुआ करते थे उनसे उन्होंने हिस्सेदारी बेची। और यहाँ पर कौन आया, जियो कब से आया, मार्च 2019 से यहाँ पर जियो आता हुआ दिखाई दिया ओके। और बात करें FIIs ने देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। DIIs की बात करें तो 5% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इन चीज़ों को अब की बार आपको गौर करना पड़ेगा, वो कंपनी गई जो पहले थी। एक्सिस बैंक ने देखी हिस्सेदारी, ICICI प्रूडेंशियल्स। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास थोड़ी सी ही हिस्सेदारी है, बल्कि यहाँ पर अगर बात करें HNIs जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ ले रखी है 6-7, मतलब 9-10% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी अच्छे हाथों में है और कंपनी डेट फ्री हो गई। सेम अगर बात करें यहाँ पर हैथवे की, तो हैथवे का भी देखिए 86 यहाँ पर ओएफएस आया है, और एक बार और ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा कब, अगर बात करें 2019 से 3 साल के अंदर आना चाहिए, 2020-2021-2022 मार्च से पहले एक बार और ओएफएस आता हुआ हमें दिखाई देगा, और 75% का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बात करें यहाँ पर देखिए जियो पुराने जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेची ओके, उन्हें निकाला। अगर बात करें यहाँ पर FIIs की, FIIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, फिर दोबारा ये हैथवे, यहाँ पर DIIs ने फिर दोबारा हिस्सेदारी बढ़ाई है, यहाँ देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल, निपोन लाइफ जिसका शेयर हमारे पास है AMC उसकी है, ICICI बैंक इसने भी हिस्सेदारी ले रखी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी है केवल ओके। तो आपको इस चीज़ को अब देखना है, और कब से यहाँ पर भी देखिए मार्च यहाँ भी जियो ने यहाँ पर मार्च में ये कंपनी, मतलब प्रमोटर्स कौन बन गए हैं, प्रमोटर्स बन गए कंपनी जियो और रिलायंस जियो। तो अगर बात करें बोर्ड में अब सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 2148 करोड़ की कंपनी है, ROCE 6% तक, डेट फ्री कंपनी है, क्या डेट फ्री 0+ ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पर हैथवे की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 0 debt free ओके, 4124 करोड़ की कंपनी है, यहाँ पर मार्केट कैप कोई भी प्लेस नहीं है यहाँ पर ओके। और अगर हम यहाँ पर और भी यहाँ पर दोनों में कंपेयर करके सीधे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो रिजल्ट कंपनी कब आई थी, अगर हम बात करें मार्च 2019 में यहाँ पर जियो ने यहाँ पर एक्वायर किया, देखिए गिरता हुआ नजर आएगा चार्ट पैटर्न। फिर यहाँ पर और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए दोबारा कंपनी आ रही है अपने लाइन पे। अगर बात करें इससे पहले देखिए इंटरेस्ट 17 करोड़ रुपये इंटरेस्ट जा रहा था, 15 करोड़, अगर अब देखेंगे तो 0 interest, क्यों, क्योंकि कंपनी हो गई है डेट फ्री। और डेट फ्री का फायदा क्या होता है, अब एक एग्जांपल लीजिए आप खुद से ही, आप जब तक किसी, जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक से लोन ले रखा है आपकी सैलरी 20,000 रुपये है ओके, 7,000 लोन है, तो 7,000 लोन जाए जा रहा है तो एक तरीके से सोचते हैं कि यार लोन में ही सारा पैसा जाता है। बट उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी भी देखिए लोन देते आ रही है, बट जब एक प्रॉफिट होना शुरू करता है, अपनी कंपनी होती है और प्रॉफिट अर्न करती है, तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, कुछ पे नहीं करना, तो यहाँ पर देखिए डेट फ्री कंपनी हो गई है। और जितना भी प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट कहाँ दिखता है, प्रॉफिट दिखता है आपको नेट प्रॉफिट में ओके, सारा रेवेन्यू एक्सपेंस काटने टैक्स वगैरह देने के बाद फिर दिखता है यहां पर, फिर बुक में दिखाई देने लगते हैं पैसे। तो सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इससे पहले कंपनी बकवास परफॉर्म कर रही थी, माइनस में चल रही थी, यहाँ पर देखिए अब पॉजिटिव में कंपनी चलती हुई नज़र आ रही है। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पर बैलेंस शीट की, यहाँ पर हैथवे की भी साथ साथ अगर बात कर लेते हैं, तो सेम क्राइटेरिया देखिए मार्च तक यहाँ पर सब माइनस में, इसके बाद धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर देखिए अपने आप को डेट फ्री कर दिया, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, अब अपन जितना भी प्रॉफिट आएगा खुद अपने आप आएगा ओके, और सारा का सारा बुक में आपको दिखाई देगा। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस, फिर यहाँ पर कंपनी 2019 में एक्वायर किया, फिर यहाँ पर देखिए अपन तो कंपनी ने पहले चुकाया लोन कि भाई पैसे दो, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना ओके, और अपने आपको डेट फ्री
करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए कंपनी ने अभी मार्च में फिलहाल में ही अपने आप को डेट फ्री किया है यहाँ पर, और अच्छा खासा रिजर्व्स हो गया है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगर बात करें यहाँ पर कैश की, तो कैश भी देखिए 273 करोड़ रुपये का कैश है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए कैश फ्लो भी बढ़ना शुरू हो गया अच्छा खासा हैथवे में। अगर बात करें यहाँ पर सेम इसी में डैन नेटवर्क में, डैन में अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स देखिए अच्छे खासे 2200 करोड़ के रिजर्व्स, डेट फ्री कंपनी हो गई है भाई। डेट कम करो, डेट नहीं रहेगा, सीधा प्रॉफिट दिखाई देगा कहाँ पर, हमारी कंपनी के बुक में दिखाई देगा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट देखिए 2140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ओके। यहाँ पर देखिए लोन यहाँ पर देखिए कैश की बात, 316 का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल 94, और फिर सेम यहाँ पर जितना है सीधे अपने कैश फ्लो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए कंपनी ने देखिए अपने आप को डेट फ्री कर दिया है, अब बैठ गए हैं, मैनेजमेंट चेंज हो गया, और जब एक बार मैनेजमेंट चेंज हो जाता है ना तो कंपनी परफॉर्म करना शुरू करती है। मैनेजमेंट का ही सारा खेल है, मैनेजमेंट है इसलिए आप रिलायंस में पैसा लगाते हैं, मैनेजमेंट है इन्फोसिस में लगाते हो, मैनेजमेंट की वजह से आप TCS में और टाटा की कंपनीज में आप पैसा लगाते हो क्योंकि आपका भरोसा है। इसी तरीके से यहाँ मैनेजमेंट चेंज हो गया है, कौन हो गया है, रिलायंस जियो, और जियो आपको पता ही है किस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो साथ में इसे भी लेके बढ़ेंगी, उनकी खुद की कंपनी है, तो बेशक से 1 रुपए किसी कंपनी में लगाए, ओके, और जब वो मैनेज कर रहे हैं वो 1 रुपए 10 रुपए के बनाने में पूरा विश्वास रखते हैं। तो हैथवे और डैन डेट फ्री कंपनी है दोनों की दोनों, ओके, अभी फिलहाल में, और OFS आ चुका है, और हैथवे का OFS एक बार और आ सकता है, ओके, 1 साल के अंदर अंदर, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और बाकी कंपनी में अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। DIS ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो बेचा है यहाँ पर OFS के थ्रू जो भी हिस्सा बेचा है DIS ने उठा लिया सीधे, भाई दे दो हमें, दे दो हिस्सा, और किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए OFS आता हुआ दिखाई दिया, 94 से 86 हुआ, और यहाँ पर किसने उठा लिया, DIS ने उठा लिया, यहाँ पर 5% इसने उठा लिया, 1% इसने उठा लिया, 1% पब्लिक ने उठा लिया, बिच गया। सेम डैन नेटवर्क में भी इसी तरीके से कि ये हिस्सा बेचा है यहाँ पर 10% के आसपास, 12%, तो यहाँ FIS ने उठाया, DIS ने उठा लिया 5%, ओके, एज वेल एज बात करें यहाँ पब्लिक ने हिस्सा उठाते हुए दिखाई दे दी। तो इसलिए ऐसी कंपनी में आपको अब विश्वास करके चलना है। यहाँ पर चार्ट पैटर्न पहले जैसा भी था, बट मैनेजमेंट चेंज हो गया है, तो आगे चल के आपको मुझे लगता है कि ये कंपनी भाग सकती है। तो आप अपने ड्यू डिलीजेंस और खुद की स्टडी एज वेल एज अगर बात करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंस शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप नए आए हैं बेल आइकन को भी हिट कर लिए ताकि फौरन तौर पर इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।